नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। आइए फटाफट अंदाज में करते हैं खबरों की शुरुआत। बिहार विधानसभा चुनाव की नजदीक आते ही उद्घाटन का दौर शुरू। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शहरी वार्डों में 814 करोड़ की योजनाओं का करेंगे वर्चुअल उद्घाटन। तेजस्वी यादव के करीबी संजय यादव कोरोना पॉजिटिव। नेता प्रतिपक्ष खुद को किया होम क्वारंटाइन। सभी मीटिंग स्थगित। महागठबंधन में मतभेद की बनी स्थिति। रालोसपा नेता उपेंद्र कुशवाहा ने लालू प्रसाद यादव से लगाई गुहार। सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई के रडार पर संदीप सिंह। संदीप सिंह का बिहार से रहा है कनेक्शन। लॉकडाउन में राजधानी पटना में राहत। शर्तों के आधार पर मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोलने के आदेश। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को रिया चक्रवर्ती ने दिया जवाब। कहा, मेरी औकात यह है कि मैं सुशांत से प्यार करती हूं। बिहार सरकार ने 15 लाख नए एंटीजन किट की खरीदारी। अधिक से अधिक लोगों को कोरोना जांच में जुटे स्वास्थ्य विभाग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को दिए निर्देश। कहा, स्टार्टअप नीति के तहत अधिक से अधिक लोगों को दिलाएं रोजगार। बिहार में 89% ग्रामीण इलाकों से हैं कोरोना संक्रमण के मामले, जबकि शहरी क्षेत्रों में 19% लोग संक्रमित। बिहार में जल्द लॉन्च होंगे सुधा के प्रोडक्ट। 20 रुपये में इलायची फ्लेवर्ड युक्त होगा दूध और 5 रुपये में मिलेगी आइसक्रीम। बिहार के सभी मेडिकल कॉलेजों में आरटीपीसीआर से होगी कोरोना की जांच। विभाग के सचिव लोकेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। बिहार चुनाव को टालने वाली याचिका की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। सर्वोच्च अदालत ने कहा, नहीं टाला जा सकता है चुनाव। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की टली जमानत याचिका की सुनवाई। अब 11 सितंबर के बाद होगी जमानत याचिका पर विचार। बिहार में कोरोना मरीज का रिकवरी रेट 85% के पार। सूबे में फिलहाल 18,491 कोरोना के सक्रिय मामले। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 33,311 मरीज में 22,486 मरीज हुए हैं स्वस्थ। 10,485 मरीजों का अलग अलग अस्पतालों में चल रहा इलाज। बिहार में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 9 लोगों की हुई है मौत। सूबे में अब तक कोरोना से 662 लोगों ने गंवाई है जान। 109,696 लोगों ने जीती है कोरोना से जंग। बिहार में गुरुवार को कोरोना के 1860 नए मामले आए सामने। इसके साथ ही कोरोना मरीजों की संख्या 128,800 के पार। भागलपुर में राशन कार्ड का काला खेल। उपमेयर राजेश वर्मा ने किया उजागर। 500,000 रुपये लेकर दिया जा रहा था राशन कार्ड। उपमेयर राजेश वर्मा ने जिलाधिकारी से की शिकायत। भागलपुर में खुलेआम किया जा रहा है नियमों का उल्लंघन। सरकार के आदेशों के बावजूद भी नहीं किया जा रहा है बसों को सैनिटाइज। बिना मास्क और ग्लव्स के सफर कर रहे हैं लोग। कोरोना वायरस को खुलेआम दे रहे हैं दावत। पुलिस जिला नवगछिया में बाढ़ का कहर जारी। गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि के बाद कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। जनजीवन हुआ प्रभावित। जर्जर NH80 पर प्रतिदिन घंटों लगता है जाम, लेकिन फिर भी प्रशासन बेखबर। राहगीरों को करना पड़ता है परेशानियों का सामना। शहर में वाहन चेकिंग को लेकर पुलिस सख्त। सभी चौक चौराहों पर सख्ती से की जा रही है वाहनों की जाँच। सूबे में बदल सकता है मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने जताई हल्की बारिश की संभावना। बहरहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए सिल्क टीवी। अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए सिल्क टीवी को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए। Facebook पर पेज को फॉलो करना नहीं भूलें।